सोमवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट की एक मंडलीय बैठक चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडलीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार शर्मा और संचालन मंडलीय मंत्री प्रेम सिंह ने किया। मुख्य वक्ताओं में प्रदेश मंत्री डॉ जीपी सिंह और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने शिक्षक नेताओं को संबोधित किया। बैठक में मंडल के पांचों जिला मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर के जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला कोषाध्यक्ष उपस्थित रहे। प्रदेश मंत्री डॉ जीपी सिंह ने कहा कि 12 सितंबर को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद के कार्यालय पर एक विशाल धरने का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंडल भर के समस्त जनपदों के शिक्षक शिक्षिकाएं भाग लेंगे। अन्य वक्ताओं में जिला अध्यक्ष मुरादाबाद ग्रंथ सिंह, जिला मंत्री अमरोहा गुरुनाम सिंह, जिला मंत्री संभल मनोज रस्तोगी, जिला अध्यक्ष बिजनौर रविन्द्र शर्मा और जिला मंत्री मुरादाबाद राजीव कुमार पाठक ने बैठक को संबोधित किया। सभी शिक्षक नेताओं ने पुरानी पेंशन की बहाली, चिकित्सा सुविधा, शिक्षकों का पुरानी सेवाओं का समायोजन और अन्य बिंदुओं पर आम राय बनाकर मंडलीय धरने को सफल बनाने पर जोर दिया। बैठक को बालक राम, धर्मेंद्र वंश, अतुल कुमार शर्मा आदि लोगों ने संबोधित किया। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ मंडल मुरादाबाद की ये बैठक है यहाँ चित्रकूट इंटर कॉलेज में। यहाँ पर संगठन के पांचों जनपदों के रामपुर, संबल, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा के जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, कोषाध्यक्ष यहाँ सब एकत्रित हैं। और हमारा 12 तारीख को संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल पर शिक्षकों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन है। उसमें हमें क्या करना है वो रणनीतियाँ बनाई जाएगी। पुरानी पेंशन को लेकर के और शिक्षकों की और विभिन्न जायज मांगे हैं, विभिन्न शिक्षकों की सेवा सुरक्षा है, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ हैं और ऐसी बहुत सी मांगें हैं, शिक्षकों का एरियर है, इन सबको लेकर के 12 सितंबर को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर पूरा मंडल धरना आयोजित करेगा और उसी संबंध में आज ये बैठक हो रही है। अब पूरा देखिए मंडल का मैटर है तो मंडल के प्रत्येक जिले से कोशिश ये हो रही है, हर सागर से दो दो शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित होंगे और एक अच्छा विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल के माध्यम से भेजा जाएगा।